दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल साल 2012 और साल 2014 की दो बार आईपीएल चैंपियन जरूर चाहेगी। साल 2021 में जो वो फाइनल के अंदर नहीं कर पाई थी, यानी ट्रॉफी से दूर रह गई थी, साल 2022 के सीजन में उसको वो पूरी तरह से कामयाब हो, उसके अंदर वो ट्रॉफी जीत कर ही बाहर निकले। बट यहाँ दोस्तों, अगर टीम केकेआर बल्लेबाजी करता है और उसके अंदर बल्लेबाजी के अंदर शुरुआत काफ़ी अच्छी टीम केकेआर को मिलती है तो ये ट्रॉफी के और नज़दीक पहुँच जाएगा। बट काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अब यहाँ दोस्तों, आप सभी को लग रहा होगा कि ऑप्शन की अगर बात करें तो सिंपल ही तो है, वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे। अगर इंडियन की बात करें, ओवरसीज की बात करें, तो वेंकटेश अय्यर और एलेक्स हेल्स हो जाएंगे ओपनिंग के अंदर। बट दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी सारे रीजंस हैं और काफ़ी सारी आपकी सोच के आगे भी इनके अंदर प्लेयर्स में आपको आज बताने वाला हूं। तो काफ़ी डिटेल वीडियो केकेआर ओपनिंग के ऊपर होने वाली है, खासकर जो जो होने वाला है, तो ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे और आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने एक अच्छा स्क्वाड जरूर बना लिया है, बट दोस्तों यहां पर अभी भी कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। बट दोस्तों, वो अभी जो डोमेस्टिक लीग चल रही है जिसके अंदर वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ टीम केकेआर को भी कॉन्फिडेंस मिलता जा रहा है इनके स्क्वाड को लेकर। बट अब जो उनके प्लेइंग 11 में खेलने वाले हैं, वहां पर काफी समस्या टीम केकेआर को आने वाली है। समस्या ऐसे नहीं कि वो प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे या फिर वो प्लेयर्स फॉर्म में नहीं होंगे। दोस्तों, अब समस्या ये है कि फॉर्म में भी सभी हैं और अवेलेबल भी सभी हैं, तो अब खिलाएं तो खिलाएं किसको, क्योंकि एक प्लेयर को अगर एक पोजीशन साइड करते हैं तो दूसरे प्लेयर की जो पोजीशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अब दोस्तों, मैं आप सभी को बताता हूं कि मैंने आपको जो ऊपर जो दो जोड़ी बताई थी, वेंकटेश अय्यर अजिंक्य रहाणे की जो कि भारतीय है, और ओवरसीज की अगर बात करें तो वेंकटेश अय्यर और एलेक्स हेल्स की, तो ये पॉसिबल तो है। बट दोस्तों, यहां पर समस्या ये आ रही है कि यहां पर जो सुनील नारायण है वो अभी अपने प्राइम फॉर्म के अंदर है, साथ साथ जो वेंकटेश अय्यर है वो अभी इंडियन टीम के अंदर जो नीचे से खेल रहे हैं, यानी फिनिशिंग का रोल कर रहे हैं, वो काफी शानदार कर रहे हैं। तो ये जो दो रीजन है, इन रीजंस के चलते मैनेजमेंट यहां सोच रहा है कि शुरुआती मुकाबलों के अंदर इन सभी प्लेयर्स का जो फॉर्म है उसका फायदा उठाया जाए। यानी सुनील नारायण जो ओपनिंग के अंदर काफी अच्छा करके आए हैं बीबीएल के अंदर, तो वहां दोस्तों बहुत अच्छा उनका फायदा आईपीएल में भी उठाया जाए, तो ये करके सुनील नारायण को एक ओपनिंग बल्लेबाज बनाया जाए और यहां पर एलेक्स हेल्स जो कि सिर्फ ओपनर ही है तो उनसे ओपन कराया जाए। तो और वेंकटेश अय्यर अब कहां जाएंगे, तो सुनील नारायण एलेक्स हेल्स की जोड़ी बन सकती है। इसके अलावा जो वेंकटेश अय्यर है वो नीचे जाएंगे जहां पर वो फिनिशर का रोल निभा सकते हैं, और इसके पीछे क्या कारण है। दरअसल दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत यहां टीम केकेआर के पास ओपनिंग नहीं बल्कि नंबर 3 का स्पॉट है, क्योंकि अगर सुनील नारायण, एलेक्स हेल्स या फिर वेंकटेश अय्यर, इन तीन में से कोई भी दो जने ओपन करते हैं तो समस्या आएगी नंबर 3 के ऊपर, जहां की श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करेंगे, अजिंक्य रहाणे बल्लेबाजी करेंगे, नीतीश राणा बल्लेबाजी करेंगे। रिसेंटली तो श्रेयस अय्यर ने ऐसा कह दिया था कि वो नंबर 3 के ऊपर आने वाले हैं, बट दोस्तों आप सभी को पता है कि टीम एकदम ऐसे नहीं चलती है, थोड़ा बहुत चेंजेस तो होता रहता है। बट हाँ दोस्तों, नंबर 3 पर काफी गड़बड़ी रहने वाली है रहाणे, अय्यर और राणा के लिए। बट दोस्तों, अभी के लिए जो टीम केकेआर की ओपनिंग पेयर होने वाली है कंफर्म रूप से, वो दो ही यहां नजर आ रही है, जो कि है एलेक्स हेल्स और सुनील नारायण की, या फिर वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे की। तो जोड़ी थोड़ी सी बदली है, बट दोस्तों ये सबसे बेस्ट जोड़ी होने वाली है टीम केकेआर के लिए, और एलेक्स हेल्स शुरुआती मुकाबलों में खेलेंगे, क्योंकि यहां पर दोस्तों आंद्रे असलम में खेलते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये दोस्तों, आप कमेंट करके अपनी एक्सपर्ट राय दो, आपके अकॉर्डिंग 4 ओवरसीज प्लेयर्स को ध्यान में रखते हुए टीम केकेआर की ओपनिंग जोड़ी कौन सी होनी चाहिए और नंबर 3 के ऊपर कौन सा बल्लेबाज आना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।